हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जेबीआर ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट यू कैन आल्सो विजिट आवर वेबसाइट फॉर द अदर्स चैप्टर द वेबसाइट लिंक इज इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सर्कल एक्सरसाइज 20 सम नंबर सिक्स ओके सो हि द क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर इज इनस्क्राइब्ड इन अ अर्किल विद सेंटर ओ तो पहले हम यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे ओके दिस इज अ सर्किल जिसके अंदर एक ट्रायंगल दिया हुआ है सो सपोज दिस इज द डायमीटर, सो ओ इज द सेंटर डायामीटर पी क्यू और यहां पर ट्राइंगल पी क्यू आर ओके सो ट्राइंगू आर इज इन अ इंसर्थ सेंटर ओ इफ एंगल एंगल क्यू क्यू पी पी आर दिस आर इक्वल टू फोर्टी सेवन डिग्री देन फाइंड एंगल पी क्यू आर आपको इस एंगल का वैल्यू निकालना है तो so, यहां पर आपको पहले एक थ्योरम आपको याद करना होगा द the थ्योरम था सपोज आपके पास एक सेमी सर्किल दिया हुआ है ओके okay? आप सेमी के अंदर अगर कोई भी एंगल जो डायमीटर को बेस करके क्रिएट होता है उस एंगल का वैल्यू ऑलवेज 90 डिग्री ओके द एंगल इन द सेमी सर्किल इज ऑलवेज 90 डिग्री तो यहां पर देखिए पी क्यू एक डायामीटर इसका मतलब जो ऊपर वाला पार्ट एक सेमी सर्कल है तो पी क्यू जो बेस इसके ऊपर जो एंगल क्रिएट हुआ है दी आर क्यू ओके एंड डेफिनेटली दिस पी आर क्यू इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री आपको यहाँ पर लिखना है द एंगल इन द सेमी सर्कल इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो ट्राइंगल है ट्राएंगल का दोनों एंगल का वैल्यू आपके पास है

फोर्टी थ्री डिग्री नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल आपको यहाँ पर फिर से एक सर्किल ड्रॉ करना होगा तो मैंने यहाँ पर फिर से एक सर्किल ड्रॉ कर लिया अब मुझे क्या करना है यहाँ पर एक डायामीटर ड्रॉ करना है तो मैंने यहां पर एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया यहाँ पर सेंटर भी आपको मिल जाएगा सेंटर हो गया ओ ओके एंड बी सी इज द डायामीटर तो अब मुझे यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम है ए बी सी ओके ए बी सी इज द ट्रायंगल तो यहाँ पर देखिए बी सी डायमीटर एबीसी ट्रायंगल इसका मतलब फिर से दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री मैंने सम नंबर सिक्स में ऑलरेडी बोला था आपको द एंगल इन द सेमी सर्किल इज ऑलवेज इक्वल टू नाइंटी डिग्री तो BC का जो यहाँ पर लेफ्ट पार्ट है वो सेमी सर्कल है उसके अंदर एंगल BAC ए सी सो बी ए सी इक्वल टू नाइंटी डिग्री यहाँ पर और एक चीज दिया है आपके पास ए बी इक्वल टू ए सी अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो गया इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसिलिस ट्राइंगल ओके ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसिलिस ट्राइंगल अब आइसोसिलिस्ट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है अगर ए बी इक्वल टू ए सी अगर ए बी इक्वल टू ए सी देन एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी दोनों एंगल इक्वल होता है अगर दोनों साइड इक्वल तो दोनों एंगल भी इक्वल तो एक आपको यहाँ पर मिल गया 90 डिग्री सो तो डेफिनेटली अदर टू एंगल विल भी एंगल ए बी सी

फाइंड द टेंजेंट ड्रॉन टू अल रेडियस फोर सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटीमीटर तो पहले आपको यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करना होगा जिसका रेडियस आपको फोर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो so, मान लीजिए मेरे पास एक सर्किल है जिसका रेडियस फोर सेंटीमीटर ओके दट इज फोर सेंटीमीटर अब यहाँ पर आपको और एक पॉइंट लेना है जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट पी लिखा है डिस्टेंस ऑफ़ द एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज फाइव सेंटीमीटर तो रेडियस मेरे पास फोर सेंटीमीटर हो गया इसका मतलब रेडियस के बगल में जो लाइन है इसका लेंथ होगा वन सेंटीमीटर दोनों को मिला के फाइव सेंटीमीटर ओके द डिस्टेंस पी फ्रॉम द सेंटर is equal to the distance P from the center is equal to 5 cm 4 plus टू फाइव सेंटीमीटर Now प्लस have to find out the length of the tangent. देंजेंट का मतलब होता है जो लाइन यहाँ पर हम P से ड्रॉ करेंगे जो सर्किल को टच करके यहाँ से निकलेगा सो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ओके सो सपोज हियर पी ए पी ए इज द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी यहाँ पर आपको फिर से एक थियोरियम याद करना होगा द रेडियस द रेडियस ऑफ आ सर्किल ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट आई रिपीट द रेडियस ऑफ आ सर्किल ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट तो अगर हम यहाँ पर ओ और ए को कनेक्ट कर दे so oa is the radius okay oa equal to radius of the circle then definitely oa perpendicular on pa okay oa perpendicular on pa that means angle oap equal to 90 degree angle oap equal to 90 degree

थ्योरम में यहां पर लिखना पड़ेगा आपको ओपी दैट मीन हाइपोटेनस ओपी इक्वल टू ओ AP स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ओके सो ओपी का वैल्यू आपको मालूम है फाइव सो फाइव स्क्वायर ओ ए फोर सो फोर स्क्वायर प्लस ए पी AP का वैल्यू आपको यहां पर निकालना है सो so, 25 4 स्क्वायर का मतलब 16 सो so माइनस -16 मैंने 4 स्क्वायर को राइट right से लेफ्ट में मूव कर लिया है सो so, AP स्क्वायर इक्वल टू 9 दैट मींस AP इक्वल टू 3 ओके okay? AP इक्वल टू 3 सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9 अब क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर एट सिमिलर प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नाइन को सॉल्व करेंगे अगर यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप क्वेश्चन नंबर एट और एक बार देख लेना तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर नाइन में तो ओ इज सेंटर ओके ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए टू ओ ओके द डिस्टेंस बिटवीन ए टू ओ दैट इज सेवेंटीन सेंटीमीटर यहाँ पर एक टेंजेंट दिया हुआ है ए टी ओके ए टी इज द टेंजेंट और अगर हम ओ टी कनेक्ट कर दे तो दैट विल बी द रेडियस तो यहाँ पर टेंजेंट का लेंथ भी दिया हुआ है फिफ्टीन सेंटीमीटर सो ओ टी रेडियस इसको हम लिखेंगे स्मॉल आर लेट द लेंथ ऑफ द रेडियस बी स्मॉल आर

so r equal to under root 64 and that is 8 so the radius of the triangle sorry the radius of the circle the radius of the circle is 8 centimeter that is your answer now the last sum sum number 10 so guys if you like my video please please share this video and please subscribe my channel so here we have a diagram तो so, पहले सम नंबर टेन में जो डायग्राम है हम पहले डायग्राम को यहां पर ड्रॉ करेंगे ओके okay? एक सर्किल आपके पास दिया हुआ है नाउ ए बी इज द डायमीटर ओके सो ए बी इज द डायमीटर डेफिनेटली ओ इज द सेंटर नाउ हियर ए सी एंड बी सी इफ आई ज्वाइंट दिस टू लाइन सो यू हैव अ ट्रा एंगल ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी और एंगल ए बी सी इक्वल टू फिफ्टी फाइव डिग्री इट्स गिवेन नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट है डी तो हम बी डी कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर ए डी कनेक्ट करेंगे सो एनादर ट्राइंगल ए बी डी और एंगल बी ए डी इक्वल टू थर्टी डिग्री गिवेन नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी ए सी दिस वन एंड सेकेंड वन ए बी डी दिस वन क्लियर ओके सो यहाँ पर देखिए ए बी एक डायमीटर है इसका मतलब ऊपर वाला जो पोर्सन है एक सेमी सर्किल नीचे वाला जो पोर्सन और एक सेमी सर्किल तो आपके पास दो सेमी सर्किल है अब सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल आपके पास है द फर्स्ट वन ए सी बी That one equal to 90 degree. The angle in the semicircle is always equal to 90 degree. Similarly, A D B this angle is also equal to 90 degree. Semicircle ka So now from triangle, from triangle A B C angle B 55, angle C 90. So angle B A C equal to 180 minus. प्लस 55 ओके वन एट्टी माइनस नाइन्टी प्लस फिफ्टी तो पहले हम 90 प्लस फिफ्टी को ऐड करेंगे 145 फिर सब करेंगे एंड योर आंसर इज 35 दिस इज योर फर्स्ट आंसर नाउ फ्रॉम द सेकंड वन फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी अगेन एंगल ए बी डी equal to 180 minus 90 plus 30 so 90 plus 30 it's 120 so your final answer is 60 degree so first angle 35 degree second angle 60 degree okay exercise 20 completed